15 दिन हो गए यार लास्ट बात करके, एंड ये एक चीज था जो मैंने सोचा था मैं कभी नहीं करूंगी बिना बताए वैनिश हो जाना यूट्यूब से, क्योंकि जो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है ना जोएला, उन्होंने काफी टाइम से अपलोडिंग किया एंड आई डोंट रिमेम्बर कोई स्पेसिफिक रीजन देना, बट आई डिड दैट, सो सॉरी 15 दिन तक कोई वीडियो नहीं आई. बट जैसे काफ़ी लोगों ने गेस किया, मुझे डीएम किया था इंस्टाग्राम पे, आई डिड गो ऑन अ ब्रेक आफ्टर व्लॉग मिस. दैट प्रेशर दैट आई पुट ऑन माई सेल्फ कि थोड़ा और थोड़ा थोड़ा और, मैं ब्रेक ही नहीं ली, कभी ब्रेक नहीं ली, एंड दैट्स वाई आई टुक अ मच नीडेड वेकेशन. पहले 5 दिन डिसाइड हुआ था, फिर और 3 दिन ले लिया, और फिर कुमार का बर्थडे आ गया, तो उसमें 2-3 दिन प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में चले गए, एंड नाउ वी आर बैक. फाइनली आई डोंट नो एग्जैक्टली वेडनेसडेज एंड सैटरडेज दोनों दिन हो पाएगा कि नहीं, बट रेगुलरली तो हो जाएगा, हफ्ते में एक वीडियो तो डाल ही देंगे. एंड टू गिव यू अ लाइफ अपडेट, आई हैव बिन ऑब्सेस्ड विद नेल पॉलिश. मैं लिटरली हर हफ्ते कुछ नया ट्राई कर रही हूँ. ये तो बहुत पुराना हो गया तो थोड़े से अजीब हो गए, बट मैं सिर्फ रिंग फिंगर अलग करती हूँ, ये थोड़ी ग्लिटर वाली है ये वाली, एंड ये हाथ पे ओप्स वेट हाँ या थोड़ा अलग है. बहुत सारे नेल पॉलिश जमा कर लिए, आई थिंक 50 नेल पॉलिश जमा किए होंगे, तो आई शो यू द कलेक्शन समडे, क्योंकि मैंने क्या और कितना एक्सपेंसिव बार नहीं, कितना एक बार के नेल पॉलिश के लिए, एंड नेल पॉलिश निकल ही जाती है ऐसे, तो आई स्टिल डोंट फील लाइक स्पेंडिंग ऐसे 500-1000 रुपये एक बार नेल पॉलिश के, तो मैं ले आई उतने पैसे में खुद के इतने सारे नेल पॉलिशेस. और क्या अपडेट है भाई, भाई के डोले शोले आ रहे हैं, लाइक लुक एट दैट मसल, आई नो ज़्यादा नहीं दिख रहा बट आया है यार डेफिनेशन. जिम रेगुलरली जा रही हूँ, जब से ब्रेक लिया है तब से, तो दैट्स गोइंग सुपर्ब. अनदर बिग लाइफ अपडेट इज अगला गराज सेल आ रहा है, एंड दिस टाइम आई एम मोर एक्साइटेड, क्योंकि सारा हम खुद कर रहे हैं, सब कुछ लोकेशन से, ऑर्गेनाइजिंग से, एवरीथिंग, लाइक कपड़े भी सिलेक्ट करना, एक एक कपड़ा मेरे हाथ से, मेरे चॉइस से हम गोने सिलेक्ट, ताकि अपना जो टेस्ट है ना मैचिंग वाला, वही टाइप का कलेक्शन रहे. इट्स गोन बी क्रेजी क्रेजी. तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको एग्जैक्टली कैसे कपड़े चाहिए, कि डेनिम जैकेट ज़्यादा चाहिए या हाफ स्लीव टी शर्ट ज़्यादा चाहिए या क्या चाहिए, जो आपको पसंद है मैं उस हिसाब से शॉपिंग कराऊंगी. सरोजनी से मैं काफ़ी कपड़े ले आई, जिसके हॉल्स आप देख चुके हो, बट मैं और स्ट्रीट मार्केट जाने वाली हूँ मुंबई से भी, एंड इट्स हैपनिंग ऑन 21st of January 2020, जो एक ट्यूजडे है, वीक डे है, मैं जानती हूँ दिक्कत होगी, बट सिंस इट्स विद द कॉलेज तो यही दिन हमारे लिए फीजिबल था, एंड बहुत सारा मजा आएगा, इट्स गोन बी वेरी प्रिटी ऑल्सो, तो डू ट्राई टू कम. इफ यू डोंट लिव इन मुंबई यार टेंशन मत लेना, इट्स जस्ट जनवरी एंड वी डूइंग आवर फर्स्ट वन. मेरा तो इच्छा है कि हम बहुत सारे सिटीज कवर करें ये साल, तो अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आपका सपोर्ट होगा, तो वी डेफिनेटली गोन बी एबल टू कम टू योर सिटी दिस ईयर. सो टेंशन मत लेना, वी मूविंग आउट ऑफ मुंबई वेरी सून विद द गराज सेल्स. एंड बस थोड़े थोड़े से फन क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेते हैं. शुगर एंड स्पाइस एंड थोड़ा सा आइस. अ वेरी बैड रेसिपी बट आई एम अ हॉरिबल कुक. एक्चुअली नॉट अ हॉरिबल कुक, आई कैन ईट वॉट आई मेक. मेरे को जो पसंद है मैं बना लेती हूँ, मैं जो बनाती हूँ मुझे पसंद आ जाता है, बाकियों को खाने लायक नहीं लगता वो उनका प्रॉब्लम है, वो खुद बना सकते हैं अपने लिए, है ना. बिकॉज मैंने बहुत सारा कुकिंग किया ये ब्रेक में, एंड तीन में से तीनों लोगों को पसंद नहीं आता. मैं अकेली हूँ तो वो खा जाती, मैं वेस्ट नहीं करती, मैं खा जाती हूँ, बट मेरे टेस्ट बड्स अपेरेंटली बहुत अजीब है. टोटली ऑफ टॉपिक, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चंस. व्हाट इज द मोस्ट फनी मोमेंट ऑफ योर दिस क्रिसमस? मैं मेरी स्कूल फ्रेंड्स के साथ चर्च गई थी माउंट मेरी, जो बांद्रा में है मुंबई, एंड हम इतने स्टूपिड है कि हमें रियलाइज भी नहीं हुआ कि द टाइम एट विच वी आर रीचिंग चर्च बंद होगा. 12:30 को बांद्रा पहुंचे रात को, 12:30 AM, एंड व्हेन वी आर वॉकिंग टूवर्स द चर्च ना, तभी काफी लोगों ने बोला बेटा मत जा, चर्च बंद हो गया. बट वी लाइक नहीं, अभी इतना दूर आए हैं तो चर्च के बाहर डेकोरेशन तो होगी, देख के आता है. एंड विराट ट्रेन से भी ज्यादा क्राउड था वहां पे. अगर आपको विराट ट्रेन का कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम, इतनी सी जगह में 10 लोग को इमेजिन कर लो, इतना क्राउड होता है विराट ट्रेन में. एंड I was about to drop my phone, which is why this expression, and already I broke my phone. Another life update. I don't know. हाँ ये दिखा, हाँ ये line, ये line, ये line. I broke an iPhone. पहली बार मैंने लाइफ में कोई फ़ोन तोड़ा है, मैंने तोड़ा, लाइक तोड़ा नहीं है वो, मैं जो बाथरूम में गई थी ना उधर बैग लटकाने का हुक नहीं था, तो मैंने हैंडल पे बैग लटका दिया और किसी ने ज़ोर से डोर बैंग किया और मेरा बैग गिर गया हैंडल से एंड फ़ोन टूट गया. तो या आई एक्चुअली
पास्ट में ना जब इससे भी कम डैमेज हुआ ना फ़ोन में, तो मैं रो रो के आ रही हो चुकी हूँ मेरा फ़ोन। बट आई डोंट नो क्यों, बट मेरी मम्मी ना पिछले एक महीने से मुझे बार बार एक चीज़ बोलते रहती है कि चीज़ों को अपनी ज़िंदगी पे अफेक्ट मत होने दे, सिर्फ वो एक चीज़ है, तेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तेरे इमोशंस काफ़ी बढ़कर है फ्रॉम नॉर्मल थिंग्स। सो इट आई डिडंट क्राई, आई वॉज ऑफकोर्स मेरे पास इतने पैसे नहीं कि हाँ टूट गया तो क्या नया लेटेस्ट आईफोन ले लेंगे, नहीं, ये मैंने बहुत मुश्किल से खुद के पैसे से लास्ट ईयर लिया था, एंड राइट नाउ आई कैन नो वे अफोर्ड अ न्यू फोन। तो स्क्रीन चल रहा है, टच वगैरह चल रहा है, कैमरा चल रहा है, सिर्फ ये दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक फ़ोन चल रहा है हम चलाएंगे, नया फ़ोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो या अगेन आई हैव गॉन ऑफ टॉपिक, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन आई मेक लाइफ अपडेट्स। बट ये था हमारा चैनल, एकदम रॉ ऑथेंटिक वन टू वन कम्युनिकेशन, एकदम भाई टाइप मेरा आजकल लैंग्वेज हो गया, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट वेल आई एंजॉय इट, डू यू एंजॉय इट, तो बेस्ट है। डू यू लाइक टेलर स्विफ्ट, जस्ट अ रैंडम वन विच केम इन माई हेड, यस आई लव टेलर स्विफ्ट, मैं उसके सॉन्ग सुनते सुनते ही बड़ी हुई हूँ आई कैन से, एंड एकदम ऐसा मस्त एकदम काम चिल वाइब होता है, वेन आई एम गोइंग थ्रू समथिंग जो मुझे ऐसा एकदम हिला देता है, तब मुझे टेलर स्विफ्ट के गाने सुनने पसंद है, बिकॉज दे टेक मी बैक टू अ टाइम जो मुझे रिमाइंड करता है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ, एक बस ठंडक दे देता है मेरे मन को। तो आई लिसन टू टेलर स्विफ्ट देन नाउ, एक्चुअली सिंस द टाइम आई स्टार्ट वर्किंग आउट ना, मुझे इमेजिन ड्रैगन्स के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, दे हैव लाइक स्ट्रॉन्ग वाइब टू देम, सो दैट्स व्हाट आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ, बट टेलर स्विफ्ट विल ऑलवेज ऑलवेज बी इन माई टॉप। रानू अग्रवाल आस्क्स, आर यू डेटिंग समवन, आई एम, आई क्या लगता है, नहीं आपको क्या लगता है मेरे डेटिंग सीन के बारे में बताओ कॉमेंट्स में। वेल वीडियो आएगी जल्दी इसके ऊपर, शायद चाहिए तो जल्दी बनाती हूँ, और अगर आपको चाहिए तो। हु इज़ योर फेवरेट फिल्म स्टार? आई लाइक परेश रावल लॉट, आई थिंक ही इज़ माई फेवरेट फिल्म स्टार, एंड आई थिंक ही ऑलवेज विल बी। क्या एक्टिंग है, इतनी अमेजिंग एक्टिंग, ही इज़ ऑन सो मेनी डिफरेंट रोल्स, उनके जैसा मुझे कोई हंसा नहीं पाता, एंड आई बिलीव कॉमेडी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग्स टू डू, एंड इतना प्यार से आता है ना उनका, बस एक कनेक्शन फील होता है, तो परेश रावल इज़ माई फेवरेट फिल्म स्टार। वो सोमा जी को हमारा एड्रेस जानना है, भाई हमारा एड्रेस तो हम ऐसे क्यों बताएं, पहले आप अपना बताओ, मत बताना, आप अपना मत बताना, इट्स नॉट सेफ, प्लीज़ ऐसा एड्रेस शेयर मत कीजिए। हाँ बट अगर आपको कुछ कभी भेजना हो तो आप ये एड्रेस पे भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ये हर वीडियो में एड्रेस रहती है, खर्चा करके कुछ कभी मत भेजना, इस जिस अगर आपको कोई लेटर भेजना हो, या अगर आपने हाथ से कुछ बनाया है, या आपको कोई ब्रांड है जिसमें आप सामान बेचते हो एंड यू वांट टू सेंड सैंपल्स, तो ये एड्रेस पे आप कभी भी भेज सकते हो। अनदर मेजर लाइफ अपडेट विच हैज चेंज्ड माय लाइफ इज गेटिंग अ सिपर। मैं ना पानी पीने का मेरा बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आप मुझे हाथ में भरा हुआ बॉटल भी दे दोगे ना, काम करते करते मैं भूल जाऊंगी कि बॉटल को लेके पीना भी होता है। बट मैंने ना ये सिपर लिया था स्टारबक्स से, आई नो बड़े लोग, बट नहीं मैं ज़्यादा नहीं जाती बिकॉज मेरे को नहीं परवड़ता, बट मैं क्रिसमस टाइम पे गई थी क्योंकि डेकोरेशंस बहुत प्रिटी थे, एंड मुझे पम्पकिन स्पाइस लाटे ट्राई करना था क्योंकि ऑलमोस्ट हर फॉरेन यूट्यूबर पी रहा था, तो मुझे भी ट्राई करना था, फोम हो गया था थोड़ा सा, एंड देन आई सॉ दिस सिपर एंड 30% ऑफ था, तो माई इंडियन ब्रेन वेंट लाइक नई आइटम है, क्यूट है, डिस्काउंट पे है, क्या हम ले लें, एंड मैंने तभी ये लिया, एंड दिस हैज चेंज्ड माई लाइफ कम्प्लीटली, क्योंकि मैं डबल पानी पीती हूँ, मैं पहले अगर 1.5 लीटर पीती थी ना, अभी मैं 3 लीटर से ज़्यादा पीती हूँ, क्योंकि ये एक टम्बलर ना 500 ml का है, एंड मैं इसको दिन में 6-8 बार आराम से भर लेती हूँ, क्योंकि स्ट्रॉ रहता ना तो चलते चलते भी, अभी खाली इसलिए आवाज़ आ रहा है, बट पूरा टाइम मैं पीते रहती हूँ, क्योंकि ना मुझे बॉटल खोलना है, एंड सिंस सिपर है मेरे हाथ में रहता है तो बस सिप करते रहती हूँ, जैसे कि कोई ड्रिंक है या कोई कॉफ़ी वगैरह है, इससे मैं पानी पीती हूँ, तो यू कैन सी माई स्किन बिल्कुल मेकअप नहीं लगा, बिल्कुल एक सेंटीमीटर का मेकअप, आई मीन थोड़ा सा मस्कारा इधर होगा कल का, क्योंकि मेरा मस्कारा रह ही जाता थोड़ा सा, बट इतना डिफरेंस है यार, वरना मेरे डार्क सर्कल्स ना बहुत ज़्यादा दिखते हैं, एंड मेरी स्किन पे थोड़े थोड़े अनइवननेस रहती थी, बट वो सब जा रही है बिकॉज मैं काफ़ी पानी पी रही हूँ, एंड ये टूट गया मेरे से एक्चुअली, दिस इज़ द थिंग दैट हैज हैपेंड विद मी, जो मेरी सबसे प्यारी चीज़ें थी ना, जैसे ये सिपर किसी में अधूरी नहीं होती, ये सिपर को नीचे नहीं रखने का, ये सिपर का स्ट्रॉ बेंड नहीं होना चाहिए, सिपर दे रही हूँ बट संभाल के रखना, इस मेरा एटीट्यूड था ये सिपर को लेकर, एंड जब से टूटा ना, आई डोंट नो मेरे लाइफ में एक शांति से आ गई है,
कि जो मेरा सबसे वर्स्ट फियर था कि ये सिपर टूट जाएगा वो हो गया. फिर भी लाइफ चली रही है, फिर भी आई स्टिल ड्रिंक फ्रॉम इट क्योंकि लीक नहीं होता. अभी भी क्रैक आ गया है. कहाँ पे है? बड़ा सा क्रैक है यहाँ पे. क्रैक सी यहाँ पे क्रैक है. आई डोंट नो एकदम विजिबल है कि नहीं, बट उस वजह से ना बीच में पानी जम जाता है, बट पानी आ रहा है, लीक नहीं होता. इट्स वर्किंग. सेम विथ माई फोन. माई वर्स्ट फ्यूर वॉज कि फोन करके टूट जाएगा. टूटा ना, फिर भी चल रहा है. तो क्या हो जाएगा? इतना टेंशन लेके क्या करना है लाइफ में इज वॉट आई एम लर्निंग धीरे धीरे. तो गेट योर सेल्फ अ सिपर. चाहे 100 वाला ले लो, सस्ता वाला ले लो, बट आपके लाइफ में चेंज आएगा. एंड जहाँ तक मैं लाइफ की बात कर रही थी, या देयर इज गोन बी ग्राफ्स एंड आई एम हैप्पी कि अपना लाइफ अपडेट ये पॉइंट पे बना ताकि मैं आपको थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी दे सकूँ. थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट. थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए. एंड अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आपके लिए है एक सरप्राइज विच इज वॉलंटियरिंग. तो अगर आपको मेरे ग्राहक में वॉलंटियर करना है तो मैं नीचे टीम हेली वेद का इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक छोड़ रही हूँ. वहाँ पे डीएम कर देना. सारे वॉलंटियर्स को सर्टिफिकेट मिलेंगे. तो अगर आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको भी सर्टिफिकेट मिलेगा. पूरा दिन साथ में बिताने मिलेगा. एंड अगर आप कोई ब्रांड हो जिसको ग्राहक के लिए पार्टनर करना है तो भी आप टीम हेली वेद को डीएम करना एंड आपको आपका स्पेस बुकिंग का सारा सीन बता देंगे. पर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्दी अगले वीडियो में. तब तक गुड बाय. I've missed you and I'm happy to be back.